आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के पास एक अलग ही रेसिपी, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। चटपटा सा, तीखा सा, खट्टा मीठा, टेस्टी सी रेसिपी। तो इसे आप बच्चे और बड़े दोनों बहुत पसंद करते हैं खाना। तो हम इसे घर में मार्केट से भी अच्छी तरह से घर में बना सकते हैं। तो बस मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देखिए खाने से कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए मैं बना रही हूँ मुड़ी। हम लोग झारखंड में से करते हैं और इसे मुरमुरा भी कहा जाता है। तो इसी की मैं चटपटी सी नाश्ता बनाऊँगी, भेलपूरी। तो चलिए इसके लिए देखिए मैं यहाँ सामान ली हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं एक पापड़ ली हूँ तल के, और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी टमाटर ली हूँ आधी कट करके, और ये ब्लैक सॉल्ट पाउडर है, ये काला नमक है, आप देख सकते हैं। काला नमक के जगह सादा नमक भी ले सकते हो। खीरा ली हूँ आधी कट करके, और ये चनाचूर है, आप चनाचूर जो भी यूज करते हैं वो ले सकते हैं। और आधी नींबू ली हूँ मैं, और ये चना है, और मूंग है जिसे मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो जिसे इसमें थोड़ी थोड़ी अंकुरित भी हो गई है। और यहाँ पर ली हूँ मैं खीरा ली हूँ आधी कट करके, और ये लहसुन है, और ये मिर्ची है, ग्रीन चिल्ली मैं ली हूँ। तो आप सोचते होंगे कि नाश्ता बना रहे तो इसमें लहसुन और इसका क्या काम है, तो मैं बताऊँगी इसका क्या करना आगे। तो यहाँ मैं हरी चिल्ली थोड़ी सी कट करके ली हूँ, हरी मिर्च, और प्याज ली हूँ एक, जिसको मैंने बारीक कट किया हुआ है, आप चाहे तो लंबा भी करके कट कर सकते हो। और यहाँ धनिया का पत्ती ली हूँ मैं थोड़ी, और ये सरसों है फ्रेंड्स। तो सरसों मैं दिखाती हूँ, देखिए मैंने दरदरा इसको पीस के लिया हुआ है सरसों। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये वाली सरसों ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं काली वाली ये सरसों ली हूँ दरदरा पीस के। आपके पास अगर पीला वाली सरसों है तो वो ले सकते हैं। और यहाँ धनिया पत्ता मैं ली हूँ, ये जीरा है जिसको मैंने भून के पीस के रखा हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च ली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो मैं लहसुन रखी हूँ और ये मिर्ची, तो इसको मैं क्या करूँगी, दरदरा सा कूट लूँगी इसको, लहसुन और ये मिर्ची को सारे को हमें कूट लेना है अच्छे से, तभी तो हमारी टेस्टी बनेगी नाश्ता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मिर्ची और ये लहसुन को दरदरा करके कूट लिया है, और सरसों को भी आप चाहें तो इसी प्रकार से दरदरा करके कूट सकते हैं। तो बट मैं यहाँ सिलबट्टे में इसको थोड़ी सी मोटा ही पीस के रखी हुई है। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ देखिए मैं मुरमुरा ली हूँ, तो पहले इसको मुढ़ी में हमको डालना है। यहाँ पे मैं चने और मूंग जो ली हूँ इसको मैं डाल देती हूँ। उसके बाद प्याज जो मैं कट करके रखी हुई हूँ उसको डाल देती हूँ, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, जीरा पाउडर, लहसुन मिर्ची का पेस्ट, रेड चिल्ली, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग से डालें, तीखा आपको जितना पसंद है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, काला नमक, सरसों। तो हमने इसमें डाल दिया है सारे चीज़ों को। अब मैं इसमें सरसों ऑयल डालूंगी। तो यहाँ मैं देखिए डाल रही हूँ फ्रेंड्स सरसों ऑयल। सरसों ऑयल को हमने डाल दिया है, और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। प्याज और यहाँ चना जो मैं डाली हुई थी इसमें, हरी मिर्ची, सारे को मैं मिला लूंगी। मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम जाती होगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है अभी, तो ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, तो आज को यहाँ बारिश हो रही है। और मैं जो ये नाश्ता बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आप लोग बना के देखिएगा एक बार, बहुत ही पसंद आएंगी आप लोगों को ये नाश्ता, बिल्कुल मार्केट में जो मिलती है उससे भी अच्छी लगेगी। हमारे घर की साफ़ सुथरे नाश्ता हैं ये, मैं बना रही हूँ।
तो हमें इसे अच्छे प्रकार से मिला लेना है, अच्छे तरह से। देखिए तो यहाँ मैं मिला रही हूँ इसे, नमक और तेल और ये जो सरसों जो हैं सारे मुढ़ी में हमारे मिल जाने चाहिए। इसके स्वाद अभी ही खुशबू इतनी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती है। सो एक बार आप लोग प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगी। हमारे घर में हमारे बच्चे हमारे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है ये खाने में, तो मैंने सोचा आप लोगों से क्यों ना मैं शेयर कर लूँ, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। तो यहाँ हमने बना लिया है ये नाश्ता। आप अगर इसे थोड़ा सॉफ्ट करना चाहें, जैसे बड़े बुजुर्ग सब खाते हैं उसे थोड़ा ये मुरमुरा ठिकने लगता है, सॉफ्ट चाहते हैं वो, तो इसमें आप आलू उबाला हुआ एक मैश करके इसमें डाल सकते हो या सब्जी इसमें भी मिला सकते हो, बट मैं नहीं मिला रही हूँ, उसी प्रकार से बना रही हूँ। और यहाँ मैं रखी हूँ खीरा और टमाटर। इसमें क्या करूँगी, थोड़ी सी मैं नमक मिला दूँगी क्योंकि मैं इस प्रकार से अगर मुढ़ी में मिलाऊँगी तो ये सादी सादी लगेगी। थोड़ी सी यहाँ मिर्ची गुंडी मिला रही हूँ और ये नींबू जो रखी हुई है नींबू को भी मिला दूँगी इसमें थोड़ी सी। तो ये हमारे मिल गए हैं, अब इसे हम डाल देंगे मुढ़ी में। तो देखिए फ्रेंड्स इसे मैं डाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं इस प्रकार से मैंने डाल दिया है टमाटर और ये खीरे को कट करके मैंने, और इसी में मैं डाल रही हूँ नींबू। तो देखिए नींबू का रस मैं डाल रही हूँ उसमें और ये मिला दूंगी इसको मैं। तो हमने इसको मिला दिया है नाश्ते को। तो यहाँ हमने प्लेट ले ली है, प्लेट में हमें इस प्रकार से नाश्ते को लगाना है। तो हमने यहाँ पे देखिए नाश्ते को मैं इस प्रकार से ले रही हूँ, इसी में मैं चनाचूर जो रखी हुई हूँ तो उसको मैं डाल देती हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो चनाचूर आप अपने हिसाब से। और यहाँ देखिए मैं पापड़ को इस प्रकार से तोड़ के इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। थोड़ी सी देखिए यहाँ काला नमक भी इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ, मिर्ची पाउडर और ये नींबू का रस। देखिए हमारे नाश्ते बनके तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। इसके साथ आप आम का अचार भी ले सकते हो साइड में थोड़ी सी, अगर इसमें प्याज वाली पकौड़ी हो जाए तो वो और भी टेस्टी लगेगी है नाश्ते खाने में। तो मैंने इस रेसिपी को बना के तैयार कर दिया है फ्रेंड्स। तो देखिए इस प्रकार से आप चम्मच के साथ इस प्रकार से सर्व कर सकते हैं। तो हमारी देखिए कितनी अच्छी बनी है फ्रेंड्स रेसिपी ये। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, देख सकते हो आप, बिल्कुल लग रही है भेलपूरी से भी अच्छी लगेगी ये खाने में इसका स्वाद, क्योंकि मैंने घर के मसाले इसमें यूज किए हैं और इतनी टेस्टी लग रही है फ्रेंड्स कि मत पूछिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो सब्सक्राइब कर चुके प्लीज़ वो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।